धंतोली में एमडी ड्रग्स विक्रेता वजरी पटका में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और नकली ई सिगरेट बेचने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। धंतोली में कार्तिक नरेंद्र गायकवाड़ से 79,000 रुपए की 7 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई है, जबकि जरी पटका में टेकचंद वासुदेव मूलचंद दानी से करीब 5,74,000 रुपए की प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू व नकदी ई सिगरेट जब्त की गई है। दोनों आरोपियों से करीबन 6,80,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार मादक पदार्थ विरोधी दस्ते ने गुप्त सूचना के आधार पर राहुल नगर नवजीवन कॉलोनी में आरोपी कार्तिक नरेंद्र गायकवाड़ उम्र 25 पर इनके घर पर दबिश दी। घर की तलाशी के दौरान पुलिस दस्ते को आरोपी के पास से 7 ग्राम 90 मिलीग्राम एमडी ड्रग्स मेफ्रोड्रोन मिली, जिसकी कीमत करीबन 79,000 बताई जा रही है। आरोपी से करीबन 25,000 रुपए का मोबाइल फोन, 1,500 रुपए नकदी, वजन काटा सहित करीब 1,06,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ धंतोली थाने में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मादक पदार्थ विरोधी दस्ते ने व्यापारी टेकचंद मूलचंद दानी उम्र 40 वर्ष, इनके प्लॉट पर आहूजा नगर जरीपटका के घर पर भी छापा मारा। टेकचंद के घर की तलाशी लेने के दौरान दस्ते को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित विदेशी नकली ई सिगरेट व महाराष्ट्र शासन की ओर से प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू सहित करीब 5,74,248 रुपए का माल मिला है। आरोपी के खिलाफ जरीपटका थाने में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी नकली ई सिगरेट और प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू कहां से मांग कर बेचा करता था, इसके बारे में पुलिस की छानबीन अभी भी शुरू है। दिनांक 4 को हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि नवजीवन कॉलोनी में राहुल नगर में कार्तिक गायकवाड़ करके जो लड़का है, वो लड़का अपने ताबे में से बेच घर से या बाहर से जाके एमडी बेचता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। उस इन्फॉर्मेशन के साथ में हमने पंच और हम हमारा स्टाफ उसके घर जाके रेड किया। वो घर में हाजिर था, उसके ताबे में हमको 7 ग्राम 90 मिलीग्राम एमडी मिली, जिसकी मार्केट प्राइस 79,000 रुपये है, और उसका एक मोबाइल भी हमने सीज किया है। और उस पर धंतोली थाने में हमने 8/22 एनडीपीएस एक्ट के प्रमाण उस पर गुना रजिस्टर किया है, और आरोपी का अगला तपास धंतोली पी आए वगैरह कर रहे हैं। उसने अभी हमको सब कुछ बताया नहीं है, अभी वो इन्वेस्टिगेशन में बताएगा कि उसने कहां से माल लाया था। एनबीसी न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।